यह आर्किटेक्चर देखिए, आजकल ऐसा आर्किटेक्चर नहीं बनता है। ये जब अंग्रेज थे या उसके पहले मुगल थी, तो इस टाइप के आर्किटेक्चर बनते थे कि देखिए नीचे आपको ऐसा है, ऊपर छत है, उसके ऊपर से गुंबद है। ये पहले के ज़माने में बनते थे, आज के ज़माने में ऐसा आर्किटेक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यह एक यूनिक टाइप का चीज़ है, जो कि इंडियन और जो है एक तरह से कहा जाए तो अरबी का स्टाइल है, ठीक है, जिसमें गुंबद बनाए जाते थे ऊपर, ठीक है। ये चिड़ियों को देखिए, ये चार चिड़ियाँ हैं जो कि आपके कहाँ बैठी हैं। तो इसमें आपको जो फेज होता है, तीन फेज है, आपको तीन फेज की यहाँ पे लाइनें डली हैं, और 11 के भी की लाइनें हैं ये। तो जनरली क्या होता है कि एक तार पे जैसे आप बैठेंगे तो सर्किट पूरा नहीं होता है, तो उनको करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर धोखे से उनके एक पंख भी दूसरे से टकरा जाएंगे तो तुरंत वो भूसा बन जाएंगे। यह जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी का नियम है। ये सागौन का पेड़ है, और देखिए इसके पत्ते कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो इस पेड़ का, जो सागौन का जो यह पौधा है, इसके पत्ते देखिए, तो ये इसी मौसम में होगा, जब ये गर्मी आएगी तो ये पत्ते पूरे गिरा देगा और खाली हो जाएगा, और जब बरसात आएगी तो इतने बड़े पत्ते हो रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण ये है कि बरसात के टाइम में इसके पास प्रॉपर वाटर अवेलेबल है, तो बड़े बड़े पत्ते हो रहे हैं और तेज़ी से विकास करेगा। और गर्मी में वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, तो आपको हमने पढ़ाया है इवेपो ट्रांसपरेशन, कि जब इस नीचे से जड़ से जब पानी आता है पत्ते तक, तो क्या होता है कि वह पानी जो है इसके पोर्स ओपन होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो सूरज की लाइट बनती है तो खाना तो बनता ही है, H2 और CO2 मिल करके C6H12O6। उसके साथ में इवेपो ट्रांसपिरेशन होता है। इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? एक प्रक्रिया है जिसमें जैसे आपका इवेपोरेशन होता है, वैसे ही इवेपो ट्रांसपिरेशन होता है पौधों में। तो इसमें वह पानी जो है सो निकल के वायुमंडल में जाता है, और यह भी जलवाष्प बनने का और बादल बनने का एक कारण होता है। तो इनके बड़े पत्ते होने का कारण है कि पानी की अवेलेबिलिटी। अगर पानी की अवेलेबिलिटी घटेगी तो या तो पत्ते गिर जाएंगे या छोटे छोटे होंगे, जैसे कैक्टस ट्री हो गए, जैसे रेगिस्तानी इलाका में। देखिए वर्षा हुआ है, वर्षा होने के बाद में ये आपको छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना, ये काई टाइप के, ये क्या है कि कहाँ से आए होंगे आप सोचिए। ये हमारे इन्वायरमेंट में ही रहते हैं, और जैसे ही मॉइस्चर होता है देखिए यहाँ पे, और फिर जो है जब ये सूखेगा तो ये मर जाएंगे। मरने के बाद में ऐसे ही जैसे ब्लैक स्पॉट हो जाता है, ये काई है देखिए छोटा सा, ये ऐसे डेवलप होते हैं। हाँ।
दे दिया।